हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स देखिए, अभी 10:24 हो रहे हैं और रेलवे की वेबसाइट पर ग्रुप डी वाले एस्पायरेंट के लिए एक अपडेट आया है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए 17/8/2022 में एक तो इन्होंने नोटिस जारी किया और एक लिंक यहाँ पर जारी किया है। लिंक पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये लिंक अभी एक्टिव नहीं हुआ है। इस पर लिखा हुआ है कि ये जल्दी आपका एक्टिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक नोटिस भी साथ में इन्होंने दिया है। और क्या है इस नोटिस में, चलिए इसको डाउनलोड करके देखते हैं। और ये जो अपडेट है ना, ये बेसिकली ग्रुप डी वाले सभी पायरेंट के लिए है। देखो इसमें क्या दिया गया नोटिस, ये रहा। यहाँ पर आपको बताया लेवल 1/01/2019 एप्लीकेशन स्टेटस। यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में गया विद रेफरेंस टू सीएन नंबर 1/2019 फॉर लेवल 1 पोस्ट फेज वाइज सीबीटी हैव कमेंस फ्रॉम 17/8/2022 ऑनवर्ड, यानी कि 17 से आपका एग्जाम चला है। ये फेज वाइज सिटी इंटीमेशन स्लिप एंड ई कॉल लेटर आर बिंग इशू एंड कैन बी डाउनलोडेड थ्रू द लिंक, जो आप लोग डाउनलोड कर पाते हैं लिंक से। अब सेकंड पॉइंट में मेन यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है, इन्होंने कहा कि अ लिंक इज वंस अगेन प्रोवाइडेड ऑन ऑल द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज फॉर नोइंग द एप्लीकेशन स्टेटस। देखो अक्सर यहाँ पर कई स्टूडेंट ऐसा पूछते हैं कि सर मुझे ये पक्का नहीं पता है कि मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ था या रिजेक्ट हुआ था, तो यहाँ पर जो एक लिंक है जो आपका जल्दी एक्टिव हो जाएगा, उस लिंक से सभी स्टूडेंट अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर पाएंगे, ऐसा इन्होंने बताया है। कैंडिडेट कैन व्यू द एलिजिबिलिटी इन एलिजिबिलिटी स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन, यानी कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ था या रिजेक्ट हुआ था वो आप चेक कर पाएंगे इस लिंक के माध्यम से। और द लिंक विल रिमेन एक्टिव टिल द कंप्लीशन ऑफ द सीबीटी, यानी कि जब तक सीबीटी चलेगा तब तक आपका ये लिंक एक्टिव रहेगा। सेकंड पॉइंट में इंपॉर्टेंट बात है, बाकी तो यहां पर लिखा हुआ है कि फ्रॉडस्टर से आपको दूर रहना है और कभी भी हम आपका जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, सारी बातें लिखी होती है। लेकिन यहां पर मेन पॉइंट था सेकंड वाले पार्ट में, तो जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने चेक नहीं किया था वो लोग अब चेक कर पाएंगे। छोटा सा अपडेट आया था आप लोगों के लिए, तो जब भी लिंक एक्टिव हो जाएगा आप जाकर इस पर चेक कर लेना, सभी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ये लिंक एक्टिव हो जाएगा।